वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया स्पेशन आप सब लोग कैसे हैं मेरी यूट्यूब फ़ैमिली अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफा अमान में रखे और नागहानी आफात से महफूज रखे तो बस आज का दिन मेरी बर्थडे का दिन था यानी कि इससे प्रीवियस डे तो इसलिए ब्लॉग्स में इतना कुछ है नहीं क्योंकि आज का दिन बस मेरी फैमिली के नाम और समझे मेरे नाम तो मेरा मी टाइम था मेरा मी डे था तो बस माय डे था जो भी कहें तो कोई ब्लॉगिंग वगैरह मैंने नहीं की बस ऐसे ही एक रैंडम सी अपने लिए बस एक दिन गुजारा नहाई धोई अच्छे से कपड़े पहने तैयार हुई और बस तो अब ये जो है गार्डन टूर एक तरीके से करने गई थी सुबह सुबह तो ज़ाए आपको पता है कि चीकू जो है वो चिड़ियाँ खा खा के नीचे फेंकती हैं अगर वो हमारे खाने के काबिल होता है तो थोड़ा सा काट वाट के खा लेते हैं नहीं तो फिर जो है वो बेकार ही हो जाते हैं चीकू ज़्यादातर जो है गिर के बेकार हो जाते हैं लेकिन कुछ जो है वो थोड़े कच्चे कच्चे से होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होते तो ऊपर से काट के तो वो फिर हम लोग खा लेते हैं तो वो खाने के काबिल होते हैं तो मैं यही देख रही थी अच्छा चिड़ियों को पता चल जाता है कि कौन सा चीकू पका है माशा इन लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी मैं इतनी दफ़ा जाती हूँ और चेक करती हूँ और छू छू के देखती हूँ मुझे नहीं पता चलता और ये एक नींबू था जो निकल रहा था माशाल्लाह बल्कि दो नींबू निकल रहे थे लेकिन पता नहीं क्यों ये ख़राब हो गया और ये अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैं तो रोज़ाना इसको जाके देखती थी तो मैं ये बता रही थी कि मैं रोज़ाना चीकूओं को दबा दबा के चेक करके देखती हूँ मुझे तो आज तक कभी भी कोई पकावा चीकू नहीं मिला किस्मत से भी नहीं मिला कि कभी मुझे कोई पकावा चीकू मिल जाए लेकिन देखो चिड़ियों को खबर हो जाती है तो बस अभी कपड़े वपड़े सूख रहे हैं तो अभी तो बहुत सुबह हो रही है साढ़े सात या आ, नहीं आठ आठ साढ़े आठ का टाइम होगा तो हस्बैंड ऑफिस गए थे उनको नाश्ता वाश्ता दिया फिर मैंने नाश्ता किया तो बस उस फिर मैं बाहर आ गई यहाँ पे देखने मैंने कहा थोड़ी धूप और लग जाए कपड़ों को तो फिर कपड़े उतारती हूँ यहाँ अलगनी से इस्तरी तो हो नहीं सकती क्योंकि आज हमारे यहाँ सुबह से शाम तक लाइट नहीं होगी तो फिर ये सारे कपड़े वपड़े तय वह करके और रख देंगे और जो इस् वाले कपड़े हैं वो अलग कर देंगे और अब ज़रा इधर मैं देख रही थी माशाल्लाह अब इस तरफ भी थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी तो करीब जाके मैं देख रही थी माशाल्लाह पूरी जो इंजीर का दरख्त है ना उस पर धूप माशाल्लाह आई हुई है मतलब देखें कितना मतलब इसने तो अपनी बिल्कुल चेंज कर लिया माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है जब से इसको धूप मिल रही है माशाल्लाह पानी भी सही मिल रहा है फल भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी इंजीर हो रही हैं और अभी थोड़ी दिनों में देखिएगा इन ये पक भी जाएंगी फिर मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी घास भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और बड़ी बड़ी घास पे चलने का तो मज़ा ही बहुत आता है लेकिन बस अब इसको काटेंगे कटवाएंगे तो और ये देखें ये ऊपर हमारे घर हैं मतलब हमारे जो नेबर्स हैं और अब मैं अंदर चिकू ले आई थी मैंने उसको अच्छे से काटा जितना चिड़िया ने मुंह मारा हुआ था फिर मैंने उसको धोया और फिर मैं इसको खाया बहुत अच्छा था मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं था आधा कच्चा पक्का था कि मतलब जैसे क्रंची क्रंची सा तो बहुत अच्छा टेस्ट है वैसे मुझे चीकू इतने पसंद नहीं है लेकिन जब बहुत इस तरीके के चीकू हो ना थोड़े क्रंची क्रंची तो फिर मुझे जो है और अपने घर के हों तो फिर क्या ही बात है तो अब जाके ज़रा मैंने कहा बाहर भी देख लूँ कि ये रोड और ये जो है बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स अपनी जगह पे हैं या इधर उधर हो गई हैं तो मैं रोज़ जाके चेक करती हूँ चेक करते रहना चाहिए अपने आस पड़ोस में कि भाई सारी बिल्डिंगे विल्डिंगे सारी रोडें शोडें सब अपनी जगह पे हैं या इधर उधर हिलविल गई हैं तो देखना पड़ता है अब क्या करें ये भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना हर चीज़ चेक करते रहना चाहिए नज़रों में रखना चाहिए तो खैर मैंने देख लिया चेक कर लिया सब चीज़ें अपनी जगह पे तो ये जो है ये लॉन्ग फ्रॉक है मेरा और ये जो है ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और पहले मैंने जब ये इसको ख़रीदा था ना तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको काट के अपनी लेंथ का कर लूँगी मतलब ये अभी समझे फर्शी फ्रॉक है बिल्कुल मतलब मेरी लेंथ से नीचे जाके चाहे मैं हील्स भी क्यों ना पहन लूँ तो ये मेरी लेंथ से भी नीचे मतलब बिल्कुल ये जो तीन बॉर्डर्स हैं नीचे के ये बिल्कुल जो है ना वो नीचे फ़र्श पे लटक रहे होते हैं तो मुझे इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है जब मुझे कहीं चलना होता है तो इसको उठा के मैं चल सकती हूँ वरना मेरे पैरों में उलझेगा और मैं मुँह के बल गिरी हुई हूँगी तो मैंने अच्छा ऊपर से इसकी फ़िटिंग बिल्कुल सही है और माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी स्टिचिंग हुई हुई है और इतनी मतलब बुटीक से लिया हुआ था ये सैनोरीटा नाम का बुटीक था तो वहाँ से लिया था और बहुत प्यारा स्टिच हुआ हुआ था और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था और उसी वजह से मिला था क्योंकि इसका जो है ना बहुत ह्यूज साइज़ है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज से भी ज़्यादा सा, बड़ा साइज़ है इसका तो इसकी स्लीव्स भी मुझे बहुत लंबी हैं और वैसे भी लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ऐसे ही रहन दिया और ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी हैं वो ऊपर ही रहती है और इस वीडियो के बिहाफ पे मैं रक्षी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे ऐसे टाइम पे चॉकलेट्स भेजी कि मेरी बर्थडे थी आज और तुमने मुझे चॉकलेट भेजी मेरा मुँह मीठा कराया वैसे मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है लेकिन कभी कभार चॉकलेट इतनी अच्छी लगती है और यही वो आज का दिन था कि आज मैंने दिल भर के और पेट भर के चॉकलेट खाई और इस खुशी में खाई कि मेरी बर्थडे थी वैसे मैं इतनी नहीं खाती और मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन बहुत अच्छी चॉकलेट्स थी रक्षी थैंक यू थैंक्स अ लॉट बहुत शुक्रिया और कल मुझे जो जो गिफ्ट्स मिले वो मैं आपके साथ आधे आज शेयर करूँगी और आधे जो है मैं आपसे कल शेयर करूँगी तो एक तो ये गिफ्ट हो गया जो कि अल्लाह ताला ने समझे मेरे लिए भेजा है कि उसके दिल में ये डाली बात और ये मुझे आया और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और बहाने चाहिए होते हैं खुश रहने के लिए कोई ऐसी बात नहीं होती हम मुसलमान हैं ना हम सालगिरह मनाते हैं ना कुछ मतलब ऐसा कोई हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन बस ये छोटी छोटी खुशियाँ ना खुश रहने के लिए बस बहाने चाहिए होते हैं अच्छा ये मेरा पैकेज आया था आ, मैंने कपड़े मंगवाए थे क्योंकि मेरा बिज़नेस है आप लोगों को पता ही होगा जिनको जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो मुझे इतना नहीं जानते हैं तो उनको मैं यहाँ इस बिहाफ़ पे बताती जाऊँ कि मेरा जो है वो आ, कपड़ों का बिजनेस है तो ये जो है ना ये ओरिजिनल कपड़े हैं यानी कि ब्रांडेड हैं ये वो नहीं है रेप्लिका या फर्स्ट कापी या सेकेंड कापी ये नहीं है ये बिल्कुल ब्रांडेड और औरिजिनल औरिजिनल कपड़े हैं और ये टू पीस हैं शलवार और कमीज़ और ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिल गए थे प्राइस मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मुझसे भी कुछ लोग कपड़े लेके जाते हैं और उससे सेल करते हैं लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो मेरे पास अवेलेबल है अच्छा फिर मुझे कहीं जाना था ये अगले दिन की क्लिप है बर्थडे के अगले दिन की यानी कि ट्वेंटी फोर्थ की तो मुझे कहीं जाना था तो फिर मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने फोन करके मुझसे कहा कि अगर इस्त्री करनी है कपड़े उपड़े तो सुबह ही कर लो क्योंकि सुबह से शाम तक फिर लाइट नहीं होगी और अच्छा ही हुआ उन्होंने कह दिया तो बहुत अच्छा हुआ तो मैंने मेरा कपड़े इस्त्री ऐसे हुए हुए थे मगर जैसे रखने से थोड़ी थोड़ी शिकने सी आ जाती है ना तो थोड़ा उसको फ्रेश करना ही पड़ता है पहनने से पहले ख़ास तौर पे लॉन को आपको पता है कि वो तो इतनी मुश्किल से इस्त्री होती है चाहे नया ही सूट क्यों ना हो लेकिन बड़ी जान जाती है लोन पे इस्त्री करते हुए और अभी मैं चूँकि बहुत जल्दी जल्दी में इस्त्री कर रही थी कि मैंने सोचा कि बस अब लाइट चली जाएगी और अभी भी मैं पता है गार्डन में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को आस पड़ोस से ट्रैफ़िक की आवाज़ें आ रही होंगी लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है और अगर आस पड़ोस में ये चिड़ियों की, की आवाज़ें ना हो ट्रैफ़िक की आवाज़ ना हो लोगों के चलने फिरने की गहमा गहमी ना हो चिड़ियों की बोलने की आवाज़ें ना हों या फिर जैसे मुर्गों की आवाज़ें आ रही हैं मुर्गियों की आवाज़ें आ रही हैं तो ज़िंदगी लगे थोड़ी कि ज़िंदगी चल रही है इन्हीं सब चीज़ों से तो अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी चल रही है या ज़िंदगी इसी का नाम है और ये मॉर्निंग वाइब्स हैं ये सुबह सुबह की वाइब्स हैं कि सभी अपने कामों में मसरूफ़ हैं चिड़ियाँ है, अपना बोलने में मसरूफ़ हैं और हम अपने काम करने में मसरूफ़ हैं है, और ये मैंने धक्का मारा दरवाज़े को और इतनी इतनी शोर किया <laughs> तो यहाँ पे मैं अपना सूट आपको शेयर कर रही थी दिखा रही थी और ये वाला ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है ट्राउज़र्स पे ये जो सीढ़ी लेस बना के बनता है ना और इस तरह की पिनटॉक्स सिंपल सा मुझे ये पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है और ये कमीज़ पे एक्स्ट्रा बॉर्डर्स जो दिए हुए होते हैं ना उनको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ और अपने ट्राउज़र के पैचों के अंदर लगाती हूँ और ये वाला दुपट्टे तो पे तो बिल्कुल इस् करने की ज़रूरत नहीं और ना मैं करने वाली हूँ अभी क्योंकि ना मैंने ना अभी नाश्ता किया है ना कुछ और सुबह ही सुबह मुझे इसत्री पर लगा दिया <laughs> सख्त वैसी इस्तरी करने से मेरी बड़ी जान जाती है और अब मैं सुबह ही सुबह इसी कर रही हूँ बिस्तर पर ही बैठ के तो खैर उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ का फर्श धो दूँ लेकिन फिर देखा तो आ, पानी जो है वो आ ही नहीं रहा था पानी ख़त्म हो गया था तो फिर फिर जब पानी आया तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ का फर्श दूँ इसलिए कि यहाँ पे ना ऊपर से ना लॉलीपॉप वगैरह फेंका हुआ था बच्चों ने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंकी हुई थी तो वो सारी फिर ना पैरों में लग लग के ना घर में आती हैं और आपको पता है ये तो मेरी घर की एंट्रेंस है अब यहाँ पे जो भी चीज़ डालेंगे अब ये तो माँ बाप की गलती है ना कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनको ये सब समझाएँ कि बेटा नीचे भी किसी का घर है और इस तरह आप लॉलीपॉप और टॉफ़ीज़ या टॉफ़ी के रैपर्स वगैरह मत फेंको लेकिन बस क्या करें आजकल के माँ बाप भी ऐसे ही हैं कि उनको अपनी बच्चों पे तरबियत पे कोई टाइम ही नहीं देते और आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हैं कि उनको जितना भी समझा लो ना वो अपने माँ बाप का ही नाम बदनाम करवाते हैं खैर तो वो यहाँ पे लॉलीपॉप वगैरह वो इतनी चिप 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 चिप, चिप और वही ज़ायब बाहर इतनी दफ़ा आना जाना सबका आना जाना वहीं से वहीं से ही होगा तो वही पैरों में लग लग के फिर घर में आएगा और सब तरफ पूरे घर में किचड़ किचड़ तो आप अपना घर चाहे जितना भी साफ़ कर लीजिए अगर आपकी एंट्रेंस ही गंदी है आपके घर में एंटर होने की जगह ही गंदी है जहाँ से आप होकर घर में आ रहे हैं तो आपका घर कैसे साफ़ रहेगा तो अब सबसे पहले आप घर को साफ़ कर लिया पूरा तो अब इसको भी तो साफ़ करना है वरना यहाँ से पैर लग के आएंगे और फिर घर भी पूरा गंदा होगा हालांकि मैंने अपने घर के एंट्रेंस पे कारपेट भी डाला हुआ है और सब कुछ है हर जगह मैट्स जले हुए हैं मगर फिर भी ये सारी गंदगी अंदर कैरी आउट हो के आती है ये चिड़ियाएँ देखें कितना शोर कर रही हैं मुझसे मुकाबला कर रही हैं कह रही हैं तुम वॉइस ओवर कर रही हो ना तो मैं भी मैं भी तुम्हारे साथ ही वॉइस ओवर करूँगी देखते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा ऊँची होती <laughs> तो सुबह सुबह का टाइम है ये इसका टाइम है ये मेरा टाइम है मुकाबला सख्त है और मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी थी मगर लाइट नहीं है अब देखें ये वीडियो आप लोगों को कब मिलती है जब लाइट आएगी जैसी आएगी तो फिर जो है मैं इसको अपलोड कर दूंगी और अब बस जहां मेरे हाथ में पाइप आया पानी का और मैं शुरू हो गई बस बाग में पानी डालना मुझे इतना पसंद है बाग में पानी डालना लेकिन बस ये है कि मैं पूरी खुद भी गीली होती हूँ और कपड़े जू चप्पल सब गीले कर लेती हूँ बस बदतमीज़ों की तरह पानी डालती हूँ क्योंकि मैं मछली हूँ ना मेरा जो है वो स्टार जो है पाइसेज है तो पानी देख के ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ जहाँ पानी होता है ना बस मेरा दिल चाहता है पानी के अंदर गुड़प हो जाऊँ तो चाहे सी साइड हो चाहे कहीं का भी पानी हो कैसा बस अच्छा साफ होना चाहिए बस पानी देख के ना मुझे अपने जज्बात पर काबू नहीं मैं पा सकती तो बस चाहे वो यहाँ पाइप से निकला वही क्यों ना पानी हो बस मैं शुरू हो गई पौधों को ज़रा सा साफ़ करने में धोने धुलाने में और पानी डालने में अच्छा दो तीन दिन, दिन से माली भी नहीं आया पता नहीं क्या बात है तो अगर वो आया हुआ होता तो वही धो देता लेकिन जब वो नहीं आया तो फिर मैंने धो दिया यहाँ का और अब मैं यहाँ का वाइपर वगैरह करके और फारे हुई हूँ अभी यहाँ वाइपर मैंने रखा हुआ है कि फिर भी अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो मैं फिर दोबारा इसको सूद दूंगी इसलिए कि फिर वही मिट्टी जमा होगी यहाँ पर और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये मेरी दोस्त का चैनल है एन एंड ए व्लॉगिंग लाइफ और यहीं में हमारी दोस्ती हुई है वो भी ब्लॉगर हैं मैं भी ब्लागर हूँ और इन्होंने कल मुझे अपनी वीडियो में शाउटआउट दिया बगैर कहे बग़ैर किसी गरज़ के ना मैंने उनसे कभी कहा था उन्होंने खुद से महसूस करके और दिल से किया बगैर किसी गरज के मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं, अदा करूँ अदा करूँ कम है और अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा और वो अपने हिसाब से आपको दे और बहुत दे बहुत दे बहुत दे तो इसी के साथ अच्छा तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि